कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बुझे बिरला कोई। अर्थात कोटि नामों को जानने से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, एक केवल आदि नाम जो कि गुप्त जप भी है उसको जानने से ही आपको मुक्ति मिल सकती है। परंतु सोचने की बात यह है कि उस आदि नाम को कैसे जाना जाए ताकि मुक्ति मिल सके। आज हम वीडियो में उसी आदि नाम को जानने का प्रयास करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शब्द मंथन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। उस आदि नाम को जानने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आदि नाम आपके अंदर ही है। अंदर कहाँ है? अब देखिए, अगर मैं आपको कह दूं आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है लेकिन आप उस खजाने के बारे में जानते नहीं है तो उससे लाभ नहीं ले पाते। अब हमने आपको बता दिया है कि फलानी जगह पे आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है, तो आप उसको निकालने के लिए दिन रात एक कर देंगे। जब तक वह निकल नहीं लेगा तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा, निकाल के ही चैन लेंगे आप। तो हम आपको बता रहे हैं कि वो आदि नाम आपके अंदर ही है, तो अगर आप उसको जानना चाहते हो तो रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि बेसब्री करनी है तो कर ले हरि भजन में, और तीन लोक का सुख मिलता है केवल हरि शरण में। तो तीनों लोकों का सुख आपको हरि की शरण में ही मिलेगा, और बेसब्री उस खजाने को निकालने के लिए करिए जो कि आपके पास ही है, वो आदि नाम। अब उसको जानने के लिए आपके पास एक ऐसी बेशकीमती चीज़ है। देखो, उसको जानने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं आदि नाम को, लेकिन हम आपको जो सबसे सरल, सुगम और सर्वोत्तम तरीका है वो बता रहे हैं। कबीरदास ने कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मैं भ्रुकुटी भवर गुफा में, मैं श्वासों की श्वास में, कि मैं भ्रुकुटी भवर गुफा में भी नहीं हूँ और मंदिर मस्जिद में भी नहीं हूँ, मैं तो केवल श्वासों की श्वास में हूँ। तो आपको आपकी श्वासों की श्वास में ही मिलेगा वो आदि नाम, गुप्त नाम, सार नाम। जब श्वास ऊपर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से आवाज आती है सो की, और जब श्वास को नीचे छोड़ते हो तो हंग की आवाज आती है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हंग का मतलब शिव यानी कि आनंद, और सह का मतलब शक्ति। और हम एक दिन में 21,600 श्वास लेते हैं, और अपने आप सभी जीव ये श्वास ले रहे हैं, लेकिन जब तक आप इन श्वासों का ध्यान नहीं करते यानी इनका जप नहीं करते करोगे तब तक वो माना नहीं जाता कि आप ले रहे हो। जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक ये व्यर्थ ही जा रहे हैं। अब 21,600 श्वास में से अगर आपने एक श्वास का ध्यान किया तो एक गिनती मानी जाएगी। तो ये जब सो और हंग यानी कि उल्टा हो जाएगा, सोहंग सोहंग हंसो हंसो बन जाता है। तो इसी का ज़्यादा से ज़्यादा जब आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के बाद ये सो और हंग तो छूट जाएगा, फिर वो खाली आप श्वास का ध्यान कर पाएंगे जब ये लय हो जाएगा सो और हंग। फिर श्वासों के इस ध्यान करने के अभ्यास के बाद वो नाम स्वयं प्रकट होता है जिसको आदि नाम, गुप्त नाम, सार नाम कहा गया है, और उसी नाम के जानने से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जानने का सबसे सरल सुगम तरीका है प्राण जप, श्वासों का ध्यान जप उसी को कहते हैं, क्योंकि रास्ते तो और भी हैं लेकिन वो सब टेढ़े मेढ़े, ये बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है। तो आप श्वासों का ध्यान कीजिए और उस आदि नाम को जान लीजिए, जिसके जानने से निश्चित ही आपको मुक्ति मिलेगी।
आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और भगवान नाम जपते रहिए। जय श्री राम।